पहाड़ी इलाकों से लोग पलायन जरूर कर रहे हैं और उसका लाभ जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पे उत्तराखंड में उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसका प्रमाण यहाँ पे नीलकंठ, जो प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर है, उसके पास यहाँ पे देखने को मिला। बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि पीछे जो ये जेसीबी है, इसे गांव है उसके लोगों ने पकड़ लिया है। और ये जेसीबी यहाँ पे एक अवैध तरीके से एक सड़क निर्माण कर रहा था, जो कि सड़क उनके नाप खेतों से होकर जा रही है। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि यहाँ ऊपर बाबा रामदेव जो हैं उन्होंने ज़मीन ली है और यहाँ पर वो खेती करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा काम अवैध तरीके से हो रहा था और ग्रामीणों की इसमें कोई भी सहमति नहीं थी। लेकिन बाबा रामदेव का नाम आने की वजह से इस हाई प्रोफाइल मामले में शासन प्रशासन भी जल्दी से हाथ नहीं डाल रहा है। तो खड़ जा, खड़ जा, रुक जा पे। इतने में तो आज एक्सपायरिंग में बहुत रेट एक्सक्यूट हो रहे हैं आपके, एक तो ब्रांच का फोन नहीं लग रहा है। ये जो है कुछ रसूखदार लोगों ने धमंदा ग्राम सभा के अंतर्गत पोखरी नामक स्थान पर और ग्राम सभा कोठार के अंतर्गत झिलमिल गुफा नामक स्थान पर कुछ जमीन खरीदी है और 100 नाली जमीन खरीद के 500 नाली पे कब्जा किया हुआ है। सरकार की जमीन घेर दी, वन विभाग की मुनारे तोड़ के और वन विभाग के मुनारों के ऊपर जो है इन्होंने मकान बना दिए हैं। और 27/5/2018 को पटवारी के द्वारा थाना लक्ष्मण झूला में FIR दर्ज करवाई गई कि मशीन को सीज किया जाए। तहसीलदार के द्वारा मशीन सीज करवाई दी गई थी, लेकिन कुछ इनकी मिली भगत के कारण से या सरकार के दबाव के कारण से जो है शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक बार मशीन नीचे उतर गई थी, फिर दोबारा गई। ये मशीन जो है रात रात चल रही, तीन बार चल गई ये मशीन, तीनों बार हमने नागरिक ग्रामीणों के द्वारा इसको उतारा गया है और अभी भी मशीन जो है नाप खेत में खड़ी है। और लोगों के नाप खेत काटे गए, राजस्व की जमीन काटी गई, धमांदा के लोगों के नाप खेत काटे गए, धमांदा की राजस्व की जमीन काटी गई और कोठार ग्राम सभा की राजस्व की जमीन काटी गई है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 महीने हो गए हमको और 3 महीने से लोग परेशान हैं और पलायन आयोग की बात कर रहे हैं। ये सरकार पलायन रुकवा रही है या सरकार पलायन करवा रही है, सरकार ये जवाब दे हमको। और हजारों पेड़ कट गए हैं, पौध कट गई है, हजारों पेड़ों की वहाँ पौध कट गई है और वन विभाग भी सो रखा है। वन विभाग भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, राजस्व विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे संदेह होता है हमको, ग्रामीणों को संदेह है कि बड़े रसूखदार लोगों के द्वारा शासन प्रशासन को दबाया जा रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि ये रोड नहीं बननी चाहिए और ये जेसीबी सीज होनी चाहिए। और आगे भी कुछ सुनाई ये दे रहा है कि DM साहब इनको परमिशन देने के चक्कर में हैं, लेकिन आगे भी अगर इनको परमिशन दी गई तो जनता सड़क पे उतरेगी, सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरेगी जनता। अगर इनको परमिशन दी गई जिला प्रशासन के खिलाफ और शासन के खिलाफ सड़क पे हम जनता को उतारेंगे दोबारा। ये देवली घमांडा आदि क्षेत्रों में कोठार एक सड़क निर्माण का मामला आया था जिसमें जेसीबी के उपयोग की बात थी। पूर्व में इसमें एक FIR दर्ज हुई है और उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इसके अतिरिक्त यदि किसी की व्यक्तिगत और नाप भूमि में इस प्रकार का कटान हो रहा है और लोगों को आपत्ति है तो उसमें अवश्य कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिना लोगों की सहमति के इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। और वन विभाग की यदि भूमि है तो वन विभाग अपने स्तर से इसमें कार्रवाई करेगी। तो सर, ये जो सड़क बना रहे हैं, क्या इन्होंने आपसे कोई अनुमति मांगी है? नहीं, एक बार JCB के उपयोग की अनुमति दी गई थी, परंतु उसके बाद अगर इस प्रकार की आपत्ति आती है, क्योंकि नाप भूमि का और फॉरेस्ट भूमि का इश्यू उसमें नहीं था और ये आता है, तो अवश्य कार्रवाई की जाए। इस तरह के जो मामले हैं उसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार यदि संज्ञान नहीं लेती है तो विपक्षी दलों को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है
और ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर भी ये जगह आती है। जागो उत्तराखंड के लिए नीलकंठ महादेव के नज़दीक से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।